हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ का यह 84 नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो से लगभग आपका 35 से लगभग 40 क्वेश्चन क्या है इससे कवर होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको हर क्वेश्चन से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते चलूँगा, जिससे आपकी तैयारी में और ज़्यादा क्या है एडवांस लेवल पर क्या है फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सतमाला पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो जो सतमाला पुरातात्विक स्थल है वो किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सरगुजा जिले में है। सतमाला एक मंदिर एवं पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, सतमाला क्या है? एक मंदिर है तथा एक पुरातात्विक स्थल है। यह सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड के कलचा एवं भदवाही ग्राम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? तो कलचा एवं भदवाही ग्राम पर स्थित है। यह ईंटों से निर्मित 7 भग्न मंदिरों का क्या है? समूह है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? एक भग्न मंदिरों का क्या है ये समूह है, जो कि से ईंटों से निर्मित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 8वीं से 9वीं शताब्दी में हयवंशी राज्य कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन ने कराया था। कालांतर में इसे सोमवंशी तथा कलचुरी राजाओं का संरक्षण मिला। इस मंदिर के गर्भगृह में शिव मंदिर स्थापित है। ठीक है, जो सतमाला है इसके गर्भगृह में कहा है शिव मंदिर स्थापित है। इस मंदिर के प्रांगण में षष्ठभुजाकार कुआं तथा सूर्य की प्रतिमा है। तो याद रखेंगे यार, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का नाग लोग किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का नाग लोग किसको बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तपकरा। तपकरा कहाँ है? तो तपकरा जसपुर में है। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? नाग लोग कहा जाता है। ठीक है, अभी तपकरा में क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला सर्फ विज्ञान केंद्र भी क्या है? खोला गया है। तो उसे भी आप याद रखेंगे, करेंट से संबंधित क्वेश्चन है वो। चलिए, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कुनकुरी। कुनकुरी जसपुर जिले में। ठीक है, कुनकुरी के जो जसपुर जिले में विकास खंड कुनकुरी है, यहाँ पर सेंट थॉमस कैथलेट, ठीक है, चर्च है, जिसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा। और इसकी निर्माण कब हुआ था? तो 1962 में इसकी निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसे अभी आप याद रखेंगे, निर्माण का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। कब? 1962 में हुआ था। और ये कंप्लीट कब हुआ? तो 1979 में। ठीक है, ये क्या हुआ था? कंप्लीट हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, सेंट थॉमस कैथेड्रल। ठीक है, सेंट थॉमस कैथेड्रल क्या है? ये चर्च है, इसका नाम भी है, उसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पार्ट क्षेत्र में कुनकुरी स्थित है? तो किस पार्ट क्षेत्र में क्या है कुनकुरी स्थित है, उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जसपुर। ऑप्शन डी क्या है? सही है, जसपुर पार्ट प्रदेश के अंतर्गत क्या है ये कुनकुरी क्षेत्र आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यार, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो बहुत बार पूछे जाते हैं। लोरो घाटी प्रसिद्ध है, तो लोरो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोरो घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है यार, किस लिए? फूलों के लिए प्रसिद्ध है लोरो घाटी। कहाँ है? तो जसपुर में है। जसपुर में स्थित लोरो घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कोंडागांव जिले में केशकाल घाटी है। ठीक है, कोंडागांव जिले में क्या है? केशकाल घाटी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको फूलों के घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कोंडागांव में है, उसको भी दोस्तों क्या है? फूलों के घाटी के नाम से भी जानते हैं। और जो अभी लोरो घाटी है, ठीक है, उसको भी क्या है? फूलों के घाटी के नाम से भी जानते हैं। एक जसपुर में है और एक क्या है? कोंडागांव में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ के कहाँ? जसपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जसपुर जिले में स्थित है मधेश्वर पहाड़। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन,
अमेरिकापा तालाब जो क्या है, अमेरिकापा जो ताला है किन नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है, तो उसको आपको बताया जो ताला गांव है, ठीक है, ये किस नदी के संगम पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवनाथ मनियारी नदी के, मुंगेली जिले के सरगांव के पास, ठीक है, कहाँ पर, तो मुंगेली जिले के सरगांव के पास स्थित है अमेरिकापा ताला। यह मनियारी एवं शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित है। मनियारी नदी के किनारे ऐतिहासिक ग्राम है ताला ग्राम, ठीक है, ग्राम ताला बोलते हैं, ठीक है, ये जो ताला गांव है, ठीक है यार, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो ग्राम ताला गांव है यहाँ क्या है, देवरानी जेठानी का मंदिर है, ठीक है, क्या मंदिर है, देवरानी जेठानी का मंदिर है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर है रुद्र शिव की प्रतिमा है, ठीक है, क्या है, यहाँ पर रुद्र शिव की प्रतिमा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये अष्टभुजी विशाल प्रतिमा है, ठीक है, अष्टभुजी क्या है, विशाल प्रतिमा है, जिसके अंग में जीव जंतुओं के क्या है आकृतियाँ आकृति गई है। यह प्रतिमा में टोटल 11 जीवों का, कितने जीवों का अंकन है, तो 11 जीवों का क्या है इसमें अंकन है, ठीक है, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऐतिहासिक गांव ताला किस नदी के किनारे स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मनियारी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहाँ से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है, ठीक है, रुद्र शिव की मूर्ति मिली है वो कहाँ है, तो उसको आपको बताना है, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तालागांव। तालागांव जो पुरातात्विक स्थल है वहाँ पर क्या है, रुद्र शिव की प्रतिमा मिला है, और यह अष्टभुजी प्रतिमा है विशाल, जिसके अंग में जीव जंतुओं की आकृति उकेरी गई है। टोटल 11 जो जंतु हैं उनके क्या है इसमें अंग का क्या है दर्शाया गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे यार, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तालागांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किसकी है, जो तालागांव में खुदाई के दौरान जो प्रतिमा मिली है वो किसकी है, उसको आपको बताना है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका है यार रुद्र शिव की प्रतिमा है, ठीक है, रुद्र शिव की प्रतिमा है जो क्या है इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान के उत्खनन में विलक्षण शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो किस स्थान के, तो तालागांव के, ये तालागांव है, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तालागांव के जो उत्खनन हुआ था, उत्खनन का मतलब है खुदाई हुआ था, तो वहाँ से रुद्र शिव की क्या हुआ था प्रतिमाएँ प्राप्त हुआ था। तालागांव में देवरानी जेठानी का मंदिर है, और ये जो देवरानी जेठानी का मंदिर है यह छत्तीसगढ़ के सबसे क्या है प्राचीनतम मंदिर है, मतलब सबसे प्राचीन मंदिर है, तो इस क्वेश्चन को भी क्या है पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रुद्र भैरव की अष्टमुखी विशाल प्रतिमा जिसके अंग जीव जंतुओं की आकृति से बने हैं किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ताला, ठीक है, ताला से स्थित प्राप्त हुई है। चलो अगला क्वेश्चन है, ताला में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताला में है देवरानी जेठानी का मंदिर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये जो मनियारी नदी के किनारे है, ठीक है, यहाँ पर कौन से मंदिर है, तो यहाँ पर ये जो देवरानी जेठानी मंदिर है, ठीक है, यही है। चलिए डिप्टी कमिश्नर कैप्टन फिशर ने, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर थे कैप्टन फिशर ने, कब, तो तारीख है वर्ष है 1873 को, कैप्टन फिशर ने 1873 में यहाँ भग्नावशेष जो चीज़ें हैं उसकी क्या थी, किया था, खोज किया था, और एलेक्जेंडर कनिंघम को दे दिया था, ठीक है, इसके साथ ही वर्ष 1873 में, कब, तो 1873 में जे डी वेलगर के माध्यम से तालागांव की खुदाई कराई गई, जिसमें दो मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर की खोज की गई। यह छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसकी निर्माण कब हुआ था, तो 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ था, और उस इसे किसका संरक्षण प्राप्त था, तो इस मंदिर को
सर्वपुरीय शासकों के क्या था, संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो इस सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, तालागांव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का देखो आंसर आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। पहले क्या है, हमारा काम है क्वेश्चन को पढ़ना। यह मन्यारी नदी के तट पर बसा है, तो बिल्कुल बसा है। देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है, हाँ तो स्थित है। अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो हाँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब सभी चीज़ें क्या है सही है, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व करते हैं इस तरीका से क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम क्या है। तो ताला के प्राचीन मंदिर का नाम है देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक है। कहाँ नाम है, तो देवरानी जेठानी मंदिर नाम है, ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तालागांव, ठीक है। तालागांव है, 5वीं से 6वीं शताब्दी में क्या है यहाँ से मंदिर का निर्माण हुआ था, और इसे सर्वपुरी शासकों का क्या था, संरक्षण प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वीं 6वीं शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है, तो कहाँ स्थित है। देखो यही क्वेश्चन को कितने बार पूछा गया है, तो तालागांव में। तो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ें रहता है, हर चीज़ों को आपको याद रखना है। देवरानी जेठानी मंदिर किसे समर्पित है, तो ये जो देवरानी जेठानी मंदिर है ये किसे समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भगवान शिव को, ठीक है, भगवान शिव को क्या है समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है। तो छत्तीसगढ़ का इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे पुराना मंदिर कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई, देवरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ का क्या है सबसे प्राचीन मंदिर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, महामाया, महामाया मंदिर है, ठीक है, महामाया देवी का मंदिर है। रतनपुर में माँ महामाया देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी निर्माण कलचूरी राजवंश के राजा थे, राजा का क्या नाम था, तो रत्नदेव था, ठीक है, रत्नदेव प्रथम। इसके द्वारा इसका निर्माण कब कराया गया था, तो 1045 ईस्वी में, ठीक है, 1045 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था रतनपुर में, याद रखेंगे यार, इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।